नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी मिश्रा। मुजफ्फरनगर जनपद की शाहपुर कोतवाली पुलिस ने अंकित हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। प्रेम प्रसंग को लेकर लापता अंकित की 31 मार्च को गर्दन काटकर निर्मम हत्या की गई थी। दरअसल मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बायपास का है, जहां 31 मार्च को जंगलों में लापता अंकित शर्मा निवासी मुजफ्फरनगर का गर्दन कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। शाहपुर पुलिस ने रविवार को अंकित हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपी अक्षय, सलीम, अनित निवासी गढ़ मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ निकलकर सामने आया। पुलिस अधिकारियों की माने तो अक्षय की पत्नी का प्रेम प्रसंग मृतक अंकित शर्मा से चल रहा था, जिसको लेकर अक्षय ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंकित शर्मा की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी थी और शव को जंगलों में फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने अंकित शर्मा हत्याकांड का खुलासा करने के साथ 3 आरोपियों से पूछताछ करके सलाखों के पीछे भेज दिया। प्राइम न्यूज 24 के लिए विशाल पवन की रिपोर्ट। देखिए, 31/3 को एक मीरापुर चौकी क्षेत्र के पास एक सरकटी लाश मिली थी। पूरा घर जो है सर अलग कर दिया गया था। ये बड़ी गंभीर घटना थी। थोड़ी देर बाद मृतक की शिनाख्त भी हो गई और शिनाख्त के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर शाहपुर और पूरे टीम गठित की गई। आज उसने सफलतापूर्वक कार्यवाही करते हुए उस घटना का अनावरण कर लिया है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक की पत्नी के साथ एक तरफा प्यार एक अरोड़ा नाम का, अक्षय अरोड़ा नाम का व्यक्ति करता था और उसी को लेकर के मृतक को ला करके उसकी गला काट करके हत्या की। चाकू बरामद किया गया है और बाकी वस्तुएं खून से बन रखे हुए कपड़े वगैरह सारे बरामद कर लिए गए हैं। विस्तृत पूछताछ जारी है और घटना में संलिप्त जो 3 अभियुक्त हैं, 3 की गिरफ्तारी कर ली गई।